हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा एकादशी का फास्ट था तो मैंने सोचा ना कि रोज रोज यही साबुदाने की खिचड़ी बना के मन बहुत हट जाता है, तो आज मैं बना रही हूँ कटलेट, जिसके लिए मैंने आलू को बॉयल करके और ऐसे करके ग्रेट कर लिया है। फिर उसमें मैंने धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची मिक्स किया। हरी मिर्ची मैंने बहुत ज़रा सी डाली है क्योंकि बच्चों के लिए भी निकालना था। और साबुदाना ना मैं 2 घंटे पहले जो है भिगो दी थी, काफ़ी अच्छे से फूल गया है। इधर मैंने देखने के आ गई कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, तो वो पढ़ाई कर रहे थे, मैं हट जाती हूँ ना तो पढ़ाई नहीं करते हैं। उसके बाद मैं किचन में आ गई। यहाँ मैंने मूंगफली वगैरह फ्राई कर ली उसमें मिक्स करने के लिए। और ये देखिए, मैं इसमें धनिया की पत्ती और थोड़ी सी हरी मिर्ची, बहुत ज़रा सी हरी मिर्ची मैंने डाली है। और उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा, बहुत ज़रा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा टेस्ट अच्छा हो, सेंधा नमक और थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है। जीरा पाउडर नहीं था तो मैंने जीरा ही डाल दिया है। और उसके बाद मैंने इसको जो है अच्छे से मिक्स करने के लिए, इसमें अब मैं साबुदाना मिक्स कर रही हूँ। साबुदाना मैं इसमें डाल के इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ कि मतलब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद मैं इसे कटलेट के शेप में बना लेती हूँ। छोटे छोटे से कटलेट के शेप में मैं इसे बना ली हूँ। और क्या कहते हैं, सबसे पहले मैंने बना के बच्चों के लिए निकाल दिया क्योंकि बच्चे मूंगफली नहीं खाते हैं। और बच्चों के लिए निकालने के बाद मैंने इसमें मूंगफली मिलाई और सारे कटलेट बना के मैं रेडी कर ली हूँ। और इधर मैंने गैस पर कढ़ाई भी चढ़ा दी थी जिसमें अपना रिफाइंड डाल दिया था, और रिफाइंड भी अब गर्म हो गया है तो मैं इसमें अब कटलेट को जो है वो फ्राई करूँगी। तो मैंने लो मीडियम फ्लेम पर रख के ये कटलेट्स इसमें डाले और इसे काफ़ी अच्छे से धीरे धीरे करके फ्राई किया। क्रिस्पी मतलब जब कलर इसका अच्छे से रेड हो गया ना, तब मैंने इसे फ्राई करके निकाला। बहुत ही टेस्टी ये बना है खाने में, तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। अपना प्यार और साथ मेरे वीडियो को दीजिए फ्रेंड्स। राधे राधे।